गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ करुणा फ्रॉम डिप्स कपूरथला। सो बेटा, आज हम अपने SPL पोर्शन में से चैप्टर नंबर 8, दैट इज रूरल लाइवलीहुड, जो विलेजेस में रहते हैं लोग, कैसे क्या काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है जी। सो हैव यू विजिटेड एनी विलेज इन द पास्ट? डू यू नो इंडिया इज अ लैंड ऑफ विलेजेस? In the rural areas, agriculture is the main source of livelihood. There are other sources of livelihood which people take up, such as fishing, poultry, farming, animal husbandry. In India, people do various kinds of work to earn a living for their families. So, beta, सबसे पहले तो हमारा question है कि कभी आपने कोई village देखा है? आपको पता है कि जो हमारा इंडिया है इसको लैंड ऑफ विलेजेस, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर विलेजेस हैं इसलिए इसको लैंड ऑफ विलेजेस बोलते हैं। इन रूरल एरियाज, तो विलेजेस में क्या है, मेन ऑक्यूपेशन लोगों की क्या है, एग्रीकल्चर। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है विलेज में, मतलब कि लोगों के लिए काम धंधे के लिए, देर आर अदर लाइवलीहुड जिससे वो अपना पैसे कमा सकते हैं, अपने घर का गुजारा कर सकते हैं, लाइक फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री। तो इंडिया में जो हमारे लोग हैं अपने घर चलाने के लिए, अपनी आजीविका के लिए अलग अलग काम धंधा करते हैं फॉर देयर फैमिलीज। मैनी विलेजेस ऑफ तमिलनाडु आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर्स। तो कितने सारे जो तमिलनाडु के एरिया में विलेजेस हैं तो रिवर्स के बैंक के ऊपर बने हुए हैं। There are nearly 6 lakh villages in our country. 80% of the farmers own small plots of land and only 20% of farmers own bigger land that produce food for themselves as well as surplus which can be sold in the nearby market. 40% of rural families are agricultural laborers. तो इसमें ये बताया है कि हमारे इंडिया में टोटल किस तरह से डिवाइडेशन की है। तो उसमें जो 6 lakh villages हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है जी, हमारी कंट्री की बात की गई है बच्चे, उसमें से 80% ऐसे फार्मर्स हैं, ऐसे किसान हैं जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं लैंड के, जिसके ऊपर वो खेती बाड़ी करते हैं। उनमें से उसके आगे 20% फार्मर्स किसान ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा बड़े लैंड्स हैं, जहाँ पर वो अपने लिए तो फूड उगाते ही हैं, प्रोड्यूस करते ही हैं, साथ में सरप्लस मतलब उनके पास इतना एक्स्ट्रा होता है जिसको वो मार्केट में बेचते हैं। एंड 40% रूरल फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कोई भी प्लॉट वगैरह नहीं होता है जिसके ऊपर वो फार्मिंग कर सकते हैं, वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं एज अ एग्रीकल्चर लेबरर्स। ठीक है जी, तो आज हम एक केस स्टडी करेंगे, केस स्टडी ऑफ अ फार्मर। ठीक है, सो इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स हैविली ऑन द मॉनसून फॉर इरीगेशन पर्पसेज। देर आर मैनी फार्मर्स हु सेल अ मेजर पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इन द मार्केट। तो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर है टोटली डिपेंडेंट किसके ऊपर होती है, द मेन थिंग दैट इज इरीगेशन, पानी के ऊपर। ठीक है, तो पानी भी जो मॉनसून बारिश से आता है, ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं, अब जो भी प्रोड्यूस करते हैं उसका सबसे ज़्यादा पार्ट जो होता है उसको मार्केट में सेल कर देते हैं ताकि मनी के लिए, ताकि उनका गुजारा चल सके। मैनी फार्मर्स ओन ट्रैक्टर्स एंड हैव ट्यूब वेल्स और पंप्स टू प्रोड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लैंड। तो कई फार्मर्स के पास ट्रैक्टर्स भी हैं अपने, उनके पास ट्यूबवेल भी हैं जिसके कारण उन्होंने अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की हुई है। कुछ एक फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास राइस मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं, ब्रिक क्लिन्स हैं, किल्न्स हैं जहाँ पर ईंटें बनती हैं, एंड ऑल्सो एंगेज इन मनी लैंडिंग एंड ट्रेडिंग। और कई तो हैं दूसरों को उधार में पैसे भी देते हैं, जिनको हम हिंदी में जनरल लैंग्वेज में, किसानों की लैंग्वेज में आड़तियां भी बोलते हैं। ठीक है जी, मैनी फार्मर्स ऑल्सो प्रैक्टिस एनिमल हस्बेंड्री अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग इन सर्टन एरिया स्टेट्स। कई जगह पे लोग फार्मिंग की जगह पे एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं को भी पालते हैं, जिससे पशुओं को पालने का बेनिफिट ये है कि जैसे गायें दूध देती है, ठीक है जी, तो और भी कई तरह के पशु हैं जैसे कि हैंस हैं, उनसे एग मिलता है, कई मीट के लिए पालते हैं, ठीक है, जो आप उनकी आजीविका का हिस्सा है। टेरेस कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस स्पेशली इन टेरेस कल्टीवेशन, कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, हिली एरियाज में। दे ऑल्सो प्रैक्टिस द स्टेप्स ऑन टेरेसेज, दीज प्लेसेज आर फ्लैट लैंड एंड बाउंड्रीज ऑफ द प्लॉट्स आर रेज इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर। तो जब टेरेस फार्मिंग होती है तो वो इस तरह से ऐसे हिली एरियाज को ऐसे बना, इस तरह से उसको क्लीन करके यहाँ पर उन्होंने चीज़ें उगाई होती हैं, तो यहाँ पर उनके पानी रुक सके टेरेस के ऊपर भी, क्योंकि ऐसे तो वो नीचे ढलान से नीचे चला जाएगा, इसलिए उन्होंने
साइड पे थोड़ा सा लास्ट वाला एरिया थोड़ा सा ऊपर रेज किया होता है ताकि यहाँ से पानी यहीं तक रह सके, ठीक है जी। सो सिंस द सर्टन क्रॉप स्टैंडिंग वाटर इन द फील्ड इज एसेंशियल, क्योंकि कई ऐसी क्रॉप्स है जिनको पानी की जरूरत होती है, ठीक है जी। फॉर द पीपल हु लिव नियर द सी शोर और कोस्टल एरिया फिशिंग इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जो समुद्र के पास रहते हैं रिवर के पास होते हैं उनका मेन लाइवलीहुड कौन सा है, फिशिंग, ठीक है। पीपल ऑल्सो कैच फिशेज फ्रॉम पॉन्ड्स लेक्स रिवर्स, द फिशरमैन गो एयरली इन द मॉर्निंग दे रिटर्न विद द कैच इन द इवनिंग, तो मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं फिशेज पकड़ने के लिए और वापस फिर वो शाम को आते हैं। द वुमेन सेल द फिश इन द मार्केट, द फिशरमैन अवॉइड गोइंग टू द सी ड्यूरिंग द रेनी सीजन एंड लिव ऑन द बोरोड मनी ड्यूरिंग दिस टाइम एंड रीपे द मनी लेटर व्हेन दे सेल द फिश इन द मार्केट। तो फिशरमैन क्या, वुमेन जो होती है वो फिशेज सेल करती हैं। फिशरमैन क्या करते हैं, जब बारिश रेनी सीजन होता है मानसून सीजन होता है तो वो अवॉइड करते हैं सी शोर के पास जाना, दैट इज डेंजरस, एंड वो मार्केट से मनी उठाते हैं। तो जब वो उनका सीजन स्टार्ट होता है उनको इनकम आनी शुरू होती है तो इंटरेस्ट वो पे करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। सो बेटा हम इसका नेक्स्ट केस स्टडी ऑफ अ विलेज कल करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।